सागौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक खेत में बने पोल्ट्री फार्म में अवैध रूप से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर मौके से 6 ड्रम में रखी करीब 1200 लीटर शराब बनाने वाला स्पीड केमिकल सहित कंपनी की मशीन पाइप आदि उपकरण जब्त किए हैं। पकड़ी गई स्पीड शराब कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक अरुण मिश्रा का इस पूरे मामले पर कहना है कि ग्राम सागौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकबर अली नामक व्यक्ति द्वारा पोल्ट्री फार्म में अवैध रूप से नकली शराब बनाई जा रही थी। फैक्ट्री संचालित करने वाले जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा वह तो महज प्यादे हैं। इसके पीछे कोई और भी बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी सर, नकली शराब बनाने वाला गिरोह पकड़ा है, क्या था पूरा मामला और क्या जब्ती की गई इनसे? अभी कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जो सागौर थाने के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के पास एक अकबर अली के नाम के व्यक्ति का फार्म, मुर्गी फार्म है, वहाँ पर अवैध शराब रखी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। टीम को साथ ले जाके दबिश दी गई तो वहाँ पे करीब जो ओपी हो रहती है 6 ड्रम ओपी पाई गई, वहाँ पे जब्त की गई है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसे पूछताछ की जा रही है। सर, जब्त की गए माल की मतलब क्या लागत? जब्त की गए माल की लगभग 3 से 4 लाख कीमत बताई जा रही है और बाकी पूछताछ और जारी है। आपका नाम? अमित मिश्रा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।